दिल्ली में आज कांग्रेस और जेडी की अहम बैठक होगी। तेजस्वी यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में बिहार में सीट बंटवारे पर होगा मंथन और थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से सिर्फ 6 सीटें ऑफर की जा रही है और आरजेडी की तरफ से ये भी कदम उठाए जा रहे हैं कि जहां जहां पे बड़े चेहरे दावेदारी रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहां अपने कैंडिडेट अपना सिंबल पहले ही दे दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। ये सूरत फिलहाल बिहार में। और सीधे मैं अपने सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करूंगी, पटना से इस वक्त मेरे साथ जुड़े। चंद्रमोहन, स्थिति तो ये हो गई है आरजेडी और कांग्रेस के बीच की कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ और आरजेडी एक के बाद एक उन जगहों पे चेहरे उतार रही है जहां पे बड़े दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल, और यही वजह है कि कांग्रेस की नाराजगी पिछले दो दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के वरीय नेताओं ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। हालांकि आरजेडी को इन बयानों से अभी कोई फर्क दिखाई देते हुए नहीं दिख रहा है और साफ तौर पर लालू यादव खास तौर पर एक के बाद एक करके अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते जा रहे हैं, सिंबल देते जा रहे हैं और अब तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है। ऐसे में आज तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जब कांग्रेस के वरीय नेताओं से मुलाकात करेंगे उसके बाद साफ हो पाएगा कि बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटें दी जा रही है। लेकिन जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस को 6 सीटें आरजेडी की ओर से दी गई है और यही वजह है कि अब तक सीटों का शेयरिंग जो है वो नहीं हो पाया है और अब तक गठबंधन का रुख भी साफ नहीं हो पाया है। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। बड़ी बात यह है कि आरजेडी के तेवर को देखकर लगता नहीं है कि वो हालिया वक्त में झुकने के लिए तैयार होंगे या कांग्रेस पार्टी की कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार होंगे। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 3 ऐसे चेहरों का नाम लेती हूं जिनको कैसे दरकिनार किया है, पप्पू यादव, तारिक अनवर, कन्हैया। इन तीनों के सीटों पर दूसरे चेहरे आरजेडी ने उतार दिए हैं। महाकोश।